आज का वीडियो कुछ स्पेशल है क्योंकि आज मेरे सामने खड़ी है यो बाइक की यो इलेक्ट्रॉन। चलो और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यो बाइक 18 ईयर यानी कि 18 साल पुरानी कंपनी है। मेरे ख्याल से सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो बनाए थे वो यो बाइक ने ही बनाए थे, शायद और भी दो तीन कंपनियां साथ में थी, पर मुझे जहां तक ख्याल है 18 साल पुरानी कंपनियां है और अभी भी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रही है और अभी भी सर्विस यहाँ पे दे रही है। मतलब आपको यहाँ पर सर्विस को लेकर और स्पेयर पार्ट को लेकर यो बाइक के अंदर कोई भी शिकायत होने वाली नहीं है। और आज मैं इसका स्पेशल रिव्यू करने के लिए निम्बा हेड़ा शहर आया हूँ और यो इलेक्ट्रॉन अभी वेबसाइट पे अपडेट भी नहीं हुआ है और मेरे पास आ चुका है, हमारा शोरूम निम्बा हेड़ा में आ चुका है यो इलेक्ट्रॉन। तो मैंने सोचा इसका एक रिव्यू करा जाए क्योंकि रिव्यू इसका अभी करना इसलिए जरूरी है कि फिलहाल आपको पता है कि फेम 2 के कारण इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइसिंग काफी बढ़ चुकी है। पहले क्या कॉन्सेप्ट था, कुछ साल पहले जब व्यक्ति नॉन आरटीओ इलेक्ट्रिक स्कूटर ज्यादा खरीदता था क्योंकि नॉन आरटीओ आपको पता है सस्ता पड़ता था। फिर क्या कॉन्सेप्ट आया, आरटीओ वाला कॉन्सेप्ट आया जिसमें आपको फेम 2 सब्सिडी और स्टेट सब्सिडी मिलने यहाँ पे लगी, तो कस्टमर को ये लगा कि नॉन आरटीओ से आरटीओ आपको सस्ता पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे फेम 2 सब्सिडी और आपको स्टेट सब्सिडी मिलती थी। एज कंपेयर कस्टमर को ये लगने लगा कि आरटीओ मॉडल यहाँ पे नॉन आरटीओ सस्ता है। फिर यहाँ पे फेम 2 की जब कटौती हुई तो अब आरटीओ मॉडल काफी महंगे हो गए, मतलब 1,20,000 से 100 किलोमीटर रेंज आपको वहां पे मिल रहे हैं कुछ कंपनी के, और कुछ फेम 2 बिना सब्सिडी भी वाले में आपको यहाँ पे सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर भी मिल रहे हैं। फिलहाल हम बात करते हैं यो जो इलेक्ट्रॉन हमारे सामने खड़ा हुआ है, मात्र आपको 52,000 यानी कि 52,000 रुपए में आपको इस कंडीशन में ये सुपर कूल इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल जाता है। अगर आपके पास पहले से कोई पेट्रोल स्कूटर है और आप कोई ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं जहां आपको काम नहीं हो, बच्चों को स्कूल जाना हो, आना हो, ट्यूशन जाना हो, सब्जी भाजी वगैरह खरीदना हो, जहां कोई काम नहीं हो, 50 से 60 किलोमीटर आपका यूज हो, तो आप ये यो का इलेक्ट्रॉन खरीद सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है सर्विस, मतलब आपको जो उसमें बैटरी आ रही है वो जेल बैटरी आती है। आपको पता है कि जेल बैटरी की जो वारंटी होती है वो 1 ईयर की होती है। अभी मैं वीडियो के बाद में बताऊंगा इसके बारे में आपको कितने में कॉस्ट पड़ती है रिप्लेसमेंट, 1 ईयर की होती है। बट यहाँ पे जो आपको मोटर और कंट्रोलर की वारंटी कंपनी 3 ईयर की यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। चार्जर और आपकी जो बैटरी आती है जेल बैटरी उसकी 1 ईयर की वारंटी मिलती है, बाकी आपको मोटर और कंट्रोलर की आपको कंपनी वारंटी 3 ईयर देती है। किलोमीटर का कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है। तो चलिए मैं आपको स्कूटर पास से दिखाता हूँ कि क्या क्या फीचर्स हैं। उसके पहले आप एक राइडिंग कंफर्ट देख लें क्योंकि इतना छोटा स्कूटर होने के बाद भी इसके राइडिंग कंफर्ट में कहीं भी कोई भी कटौती की नहीं गई। आप देखेंगे राइडिंग पोस्चर मेरा, आपको मेरी लुकिंग यहाँ पे दिख रही होगी। अब मैं इसको स्टैंड से नीचे उतारता हूँ तो भी आप देख सकते हैं मेरे पैर। सीट हाइट भी इसकी अच्छी मेंटेन है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नीचे है, इसकी बिल्कुल 785 mm सीट हाइट यहाँ पे मेंटेन की गई है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा राइडिंग पोस्चर, अगर मैं इसे चलाता भी हूँ तो बहुत ही इजी मुझे यहाँ पे चलाना इसको यहाँ पे पड़ता है। 3 मोड्स के साथ में आता है, एक बार आप और देख लें मैं इसे चलाता हूँ तो कितना अच्छा मेरा राइडिंग पोस्चर होता है। एक बार मैं यहाँ पे राउंड लगाऊंगा तो वो भी शॉट आपको मैं दिखाता हूँ। पहले आप स्कूटर को पास से देखिए, खड़ा है हमारा यो का यो इलेक्ट्रॉन यो बाइक का, ये देखिए। और ये इसका डायमेंशन आपको मैं इसका फ्रंट एक बार लुक दिखाता हूँ। ये सामने से मिरर इसके क्रोम वाले और इसका फ्रंट से कुछ लुकिंग है और ये इसकी साइड से प्रोफाइल आ चुकी है और ये इसकी बैक से प्रोफाइल आ चुकी है। बैक से भी काफ़ी कूल लगता है, मुझे तो काफ़ी कूल लग रहा है। देखिए अब चलते हैं सर आपके पास में तो ठीक है। आगे भी फ्लोरबोर्ड आपका प्लेन दिया है, थोड़ी सी स्पेस कम है बाकी सफिशेंट है, आप यहाँ पे कुछ भी सामान वामान होल्ड कर सकते हैं कुछ इस तरह से है। और ये फुटरेस्ट तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, साइड प्लेन फुटरेस्ट। यहाँ पे एक स्विच है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिस नहीं है पर कर लेते हैं प्रैक्टिस। ये देखिए इस तरह से बाहर आ चुका है तो गाड़ी आपने देखी और लुक। अब हम चलते हैं टायर के ऊपर। टायर फ्रंट में 10 इंच का लगा हुआ है, ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है, 3.0 इंच 10 इंच के टायर है। डिस्क ब्रेक के साथ में आएगा आपको फ्रंट में, रियर में आपको डिस्क ब्रेक नहीं आएगा, पर वो भी टायर अच्छे हैं, ग्रिपिंग वाइज अच्छे हैं और यो आपको टायर अच्छे यहाँ प्रोवाइड करता है। और देखिए काफ़ी लुक वाइज कितना अच्छा यहाँ पे अलाइवी लगता है आपका। ये देखिए पीछे आपकी वही 250 वाट की मोटर यहाँ पे मिलती है, बाकी स्पीडिंग काफ़ी अच्छी, सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे हैं, हैवी सस्पेंशन है, स्प्रिंग वाले भी सस्पेंशन। अब आप 52,000 में और क्या एक्सेप्ट करोगे। अब बैटरी के बारे में आपको जानकारी देता हूँ, यहाँ पे 4 बैटरी आती है आपको जेल बैटरी की 48 वाट में आने वाला है और 1 बैटरी आपको जो आने वाली है वो आपको 12 वाट और 28 H की आपको 1 बैटरी आती है यानी कि 48 वाट में और 28 H में आपको ये यो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाता है। इसका गैप रियर देखेंगे आप, अभी हीरो की एक आई थी जूम उसके जैसा एक गैप रियर यहाँ पे मुझे सेम दिख रहा है।
फिटिंग भी ठीक ठीक है, वाइडर भी है, यहाँ से ये वाला पोर्शन इसका वाइडर है, 2 पिलियन के लिए सफिशियंट है, 3 पिलियन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि नॉन आरटीओ है, तो 2 पिलियन ठीक ठीक होगा। और गाड़ी कुछ इस तरह से दिखती है, आप देखेंगे यहाँ पे, एक छोटी सी टेस्ट राइड लेके आता हूँ मैं, बाकी फिर इसके फीचर्स हम बाद में बात करते हैं। एक बार लाइटिंग आपको दिखा दूँ इसकी, मैं चाबी ऑन करके, देखिए जब भी इसकी चाबी ऑन होगी इस तरह से ये चाबी इसकी ऑन होगी, और ये इसकी फुल लाइट है, मतलब आपको इसमें हेलोजन वाली लाइट मिलने वाली है, इंडिकेटर भी आपको इसमें हेलोजन वाले बल्ब मिलने वाले हैं। बैक लाइट हम देख लेते हैं, बैक में आपको क्या है, अगर एक बार हम ब्रेक प्रेस करेंगे, हाँ ब्रेक पीछे भी आपको हेलोजन वाले बल्ब मिल रहे हैं, बट इस तरह से इसकी लुकिंग है, फ्रंट से कुछ इस तरह से इसकी लुकिंग आती है। और ये रहा इसका स्पीडोमीटर, और इसमें आप देखिए 52,000 में कितनी प्रीमियम आपको की मिल जाती है, की भी आपको सिक्योर वाली मिलती है, आप इसको यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं, और खोलने के लिए आपको जस्ट ये इस हॉल में लगा के इसको आपको ओपन करना है इस तरह से, और ये आपका यहाँ पे देखिए आपको दिखाता हूँ एक बार, ये इस तरह से ओपन हो जाता है, ये देखिए, और आपको रिमोट के सारे फंक्शन यहाँ पे आ रहे हैं, लॉक अनलॉक, ये देखिए सिक्योरिटी के सारे फंक्शन आएंगे इसके अंदर, आप इससे कीलेस एंट्री भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ से की लगा के दिखा देता हूँ सिंपल, ये देखिए इसका स्पीडोमीटर, ये आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ, काफ़ी कूल स्पीडोमीटर है इसका, एक बार इसको अनलॉक कर लिया जाए, ये देखिए ये इसका स्पीडोमीटर है, आपको यहाँ पे बैटरी दिख रही होगी, लो और हाई 50 वाट दिख रहा होगा, 51 वाट पे फुल चार्ज हो जाती है, स्पीडोमीटर भी है इसमें, मोड भी है, नॉन आरटीओ पर भी मोड भी है, मोड भी आपको यहाँ चेंज होते दिख रहे होंगे, थर्ड मोड, सेकंड मोड, और ये फर्स्ट मोड आ गया आपका, लाइट के हाई बीम के स्विच भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये हाई बीम आपको यहाँ दिख रहा है, इंडिकेटर वाला भी आपको साइन अंदर दिखेगा, और देखिए वो दिख रहा है, और स्विचिंग भी काफ़ी हैवी है, मतलब प्रीमियम है, ये इंडिकेटर है आपका, ये हॉर्न है, ये लाइट के स्विच आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये हॉर्न है, साइड स्टीन सेंसर मेरे ख्याल से 52,000 रुपये में तो यहाँ पर नहीं आएगा, और वो होगा भी नहीं। आगे बॉटल होल्डर आपको यहाँ पे दिख रहा है, आगे यूएसबी भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए ये रहा आपका यूएसबी, बॉटल होल्डर भी दिख रहा है, आगे हुक भी अच्छा लग रहा है, वो भी अंदर कंसील्ड है, बाहर बॉडी में अटैच है, ये भी अच्छा है, यहाँ पे कोई हुक नहीं है, यहाँ पे आपका चार्जिंग पॉइंट है, अंडर सीट स्टोरेज मैं आपको बताना भूल गया हूँ, थोड़ा सा सीट यहीं से अनलॉक होगी, देखिए ये भी अच्छा सिस्टम लगा, और अंडर सीट स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, मिरर थे हमने यहाँ लगा दिए हैं, 20 लीटर का कम से कम अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है, और एक ये सर्टिफिकेट भी आता है, अगर आप नॉन आरटीओ स्कूटर चलाते हैं लाइसेंस, तो आपको ये आरटीओ वालों को आप दिखा सकते हैं कि ये नॉन आरटीओ वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। फटाफट से इसकी टेस्ट लेता हूं मैं, और फिर आपको यहीं आकर मैं मिलता हूं। ये आपको 4 आकर्षण कलर में मिलता है, और इसकी जो बैटरी है लेड एसिड, वो चार्जिंग होने में थोड़ा 6 से 7 घंटे का टाइम लग जाता है, वैसे से 5 कलर आते हैं पर मुझे 4 कलर अभी यहाँ पर कन्फर्म है। तो ये गाड़ी है हमारी टेस्ट राइड के लिए, हम तैयार हैं, चाबी लगा दी है हमने, और बस चलें, पार्किंग मोटर का सिस्टम है नहीं, साइड स्टैंड सेंसर भी नहीं है, अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा प्राइसिंग का कम इशू है, तो देखिए अभी हम फ़िलहाल तो ऑफ रोड चल रहे हैं, अभी हम इसे रोड पे ले लेते हैं, और थर्ड मोड अप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा रोड देख लेते हैं, रोड कहाँ पर है, ये रहा रोड, टर्निंग डिस्क भी अच्छा है लग रहा है यार मुझे तो, इसका काफ़ी शानदार लग रहा है चलाने में भी, 25 जाएगा मेरे ख्याल से नॉन आरटीओ, तो देखते हैं कहाँ तक इसकी टॉप स्पीड जाती है, 26, 27, 28, ओ 28 आ गया है लास्ट, नॉन आरटीओ तो 25 तक ही अप्रूव लेता है, तो ये 28 फिर भी जा रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं, डिफ़ॉल्ट होगा, और ये छोटा है तो टर्निंग रेडियस भी काफ़ी अच्छा होगा, मतलब इसकी लेंथ है वो काफ़ी कम है, तो देखिए इतना ईजी मुड़ रहा है, और इसका हैंडल जो टर्निंग हो रहा है काफ़ी हद तक मुड़ रहा है यहाँ पर, अब देखें चला के थोड़ा इसका फील तो अच्छा आ रहा है, राइडिंग पोस्चर अच्छा लग रहा है मुझे, और ब्रेक भी चेक कर लेते हैं, फ्रंट तो डिस्क ब्रेक था ही इसका, ब्रेक भी अच्छे इंप्रेसिव हैं यार, ब्रेक तो काफ़ी अच्छे, आगे देख रहे हैं आप यहाँ पे जगह, मैं 5.7 का हूँ, इसे मैं आसानी से चला पा रहा हूँ, मतलब आप भी इसे चलाते हैं, खड़ा होकर देखते हैं, हैंडल भी काफ़ी अच्छा है, देखिए ये किस कंडीशन में चला रहे हैं हम, इसे आप देख सकते हैं, चलिए वापस से टर्न लेते हैं, कुछ यहाँ पे गिट्टी उट्टी कुछ रखी हुई है, चलिए वापस से हम जहाँ हमारा शूट हो रहा था, इसकी टेस्ट राइड में ले चुका हूँ, स्कूटर काफ़ी डिसेंट है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी, अभी आप नियोस आया था, फिर वो अलग मटेरियल है, वो यहाँ पे PDC PD यहाँ पे रहता है, पर यार फिर भी मैंने जब उसकी देखा गेज का अंदर से हाथ डाल के, तो ये काफ़ी मुझे हैवी लगा, और अभी भी आप मार्केट में उठा के देख लो, आपको यो बाइक के जो पुराने स्कूटर 10 साल पुराने वाले, वो मार्केट में आपको जो कस्टमर चलाते हुए दिख जाएंगे, उन्होंने उसमें किसी ने बैटरी चेंज करवा रखी है, किसी ने यहाँ पे मोटर चेंज करवा रखी है। चलिए गाड़ी पे आते हैं, गाड़ी डिसेंट है, 52,000 में, मतलब 52,000 में बहुत अच्छी गाड़ी है, 4 बैटरी आपको इसमें आती है, लिथियम वाली यानी कि जेल बैटरी आती है,
उसकी वारंटी आपको 1 ईयर आती है, मतलब इसकी सर्विस आपको 18 से 20 महीने तक चल जाती है, 1 ईयर कंपनी आपको वारंटी बोलती है। इसमें एक अच्छी बात यह है, 1 साल बाद इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट काफी कम है। एक बैटरी का खर्चा 3,000 रुपये के आसपास बैठता है, यानी कि 4 बैटरी आपको 12,000 में चेंज हो जाती है। पुरानी बैटरी अगर आप रिप्लेस भी करते हैं, सिर्फ 10,000 रुपये में आपका ये स्कूटर चल जाता है, और इसमें 350 इसके चार्जिंग सर्कल होते हैं। लिथियम बैटरी में क्या होता है कि आपको 3 साल में बैटरी चेंज करवाना पड़ती है, लगभग उसका खर्चा आता है आपको 30,000 रुपये के आसपास, और यहाँ पे खर्चा आता है 10,000। अप्रोक्स अगर बात करें तो बात वही रहती है, पर यहाँ पे क्या आपको 10,000 तीन बार पे करना होते हैं, और वहाँ पे 30,000 रुपये एक बार पे करना पड़ता है। कहने की बात है वहाँ पे जोर का झटका आपको जोर से लगता है, और यहाँ पे जो झटका धीरे से वो धीरे से लगता है। कहने की बात हमें समझ गए हैं, और आपको स्टार्टिंग में कॉस्ट कम मतलब 52,000 में स्टार्टिंग में ये पैकेज लेना है तो आप ले सकते हैं, काफी अच्छा पैकेज है। और यो का ये स्कूटर है, यो बाइक का यो इलेक्ट्रॉन स्कूटर है। इसके कस्टमर केयर नंबर आपको मैं दे दूंगा ताकि आप नियरेस्ट इसके शोरूम पता करें। अगर आप हमारे शहर मतलब निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के आसपास से हैं तो हमारी ओम ऑटो एजेंसी के नंबर आपको यहाँ में शो कर दूंगा। हमारा 12 साल पुराना ये शोरूम है, यहाँ पे आपको एवरीथिंग, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर पड़ा है, आपको पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो भी आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम जरूर सोल्व करेंगे। तो ये था छोटा सा एक यो इलेक्ट्रॉन का हमारा एक रिव्यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करना करें वो आपके ऊपर। तो मिलते हैं आपसे अच्छे से किसी वीडियो, तब तक नमस्कार धन्यवाद। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर है और आप उससे परेशान हैं, अगर शोरूम बंद हो गया और स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा है, तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, इस पर आप कॉल करें, आपको घर बैठे बैठे आपका पार्ट हम अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी, कस्टमर जो परेशान हो रहे हैं उससे सोचा मैंने कि उनके लिए हेल्प हो जाएगी, नंबर है इस पर कॉल करें और अपनी परेशानी को आप यहाँ पे दूर करें।